इस क्वेश्चन को देखिए, एक पेंडुलम को हमने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस कर दिया और उसके बाद उसको छोड़ा, हमको मालूम है कि वो वापस आएगा और एक रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वापस आएगा। ओके, उस समय जब वापस आएगा उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी कि बढ़ती हुई होगी, किनारे ले जाके छोड़ा और छोड़ दिया तो वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दैट मींस इट हैज एक्सीलरेशन। अब उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमने बता दी है। नॉर्मली हमारे पास एक थंब रूल है, दो चीजों से हम निकालते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जिस तरफ होता है उधर एक्सीलरेशन माना जाता है, दूसरा हमने ये माना है कि जिस तरफ नेट फोर्स लगता है उस तरफ एक्सीलरेशन माना जाएगा, बिकॉज एक्सीलरेशन इज ड्यू टू फोर्स एंड फोर्स अपॉन मास इज एक्सीलरेशन। तो यहां पर हम ये देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकालना मुश्किल होगा, नेट फोर्स से हम इसको निकालेंगे कि नेट फोर्स किस तरफ लगता है। अब सोचिए इस पेंडुलम में कौन सा फोर्स लगता है, एक आंसर सबको मालूम है, एम जी फोर्स लगता है। एम जी फोर्स किधर लगता है? नीचे। जो ऐसा सोचता है वो ये सोचेगा कि ये नीचे की तरफ एम जी फोर्स लग रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन किधर होना चाहिए? नीचे। दूसरा, हमको मालूम है कि अगर वो नीचे लगता है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा है, वो तो ऐसे झूल रहा है, तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स पेंडुलम के चैप्टर में हमने सबने पढ़ा है कि अगर ये एम जी है तो ये वाला क्या होता है, एम जी साइन थीटा, और इस एम जी साइन थीटा के कारण ये वापस अपनी पोजीशन पे आता है, इसलिए फोर्स कौन सा एप्लीकेबल होगा, एम जी साइन थीटा। उस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए ये वाला एक्सीलरेशन होगा। तीसरा, ये सब पूरा सिस्टम नीचे क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि धागा इसको टेंशन से खींच के रखता है, तो फोर्स किधर लगता है, ऊपर की तरफ, तो इधर फोर्स लगता है तो एक्सीलरेशन किधर होगा, फोर्स की तरफ, और ये इसका तो कोई माय बाकी नहीं, अगर ये तीनों नहीं है तो ये है। तो अब आपको ये सोचना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन के, चारों ऑप्शन के रीजन आपको समझ में आ रहे हैं। ओके, तो आप ये बताइए, अगर आप बोलते हैं ये सी ठीक है तो क्यों है? रिजल्टेंट किस किस का रिजल्टेंट? ओके, ये टी है, ये रहा एम जी, ये है टी साइन थीटा और ये है टी कॉस थीटा, सॉरी ये थीटा है, तो ये हो गया टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा इसको बैलेंस करता है, तो रिजल्टेंट कौन बचा? टी साइन थीटा। अब ये रिजल्टेंट कहां से आ गया? हाँ, तो टेंशन का ये बचा ना, ये रिजल्टेंट तो आ गया, फिर आप इसको रिजल्टेंट कैसे बोल रहे हो? ये इसके कारण इधर आ रहा है, किसके कारण? टेंशन के कारण, ये टेंशन का हिस्सा ना, तो टेंशन को यूज तो कर लिया, दो बार कैसे यूज करोगे? इसी टेंशन को इस टेंशन से जोड़ दो, तो ये जो टेंशन है, इस टेंशन के हमने दो कॉम्पोनेंट किए, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, उसमें टी कॉस थीटा को एम जी बैलेंस कर लेता है और पेंडुलम वापस आता है, जिसके कारण टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इस रिजल्ट ये इसके परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट होता है, इस रिजल्टेंट नहीं, सॉरी, ये ऐसा परपेंडिकुलर इधर आया। अगर आप एम जी के दो कॉम्पोनेंट करेंगे तो एक कॉम्पोनेंट इधर और एक कॉम्पोनेंट इधर ऐसा आ जाए, ये एम जी के कॉम्पोनेंट है, ये टी के कॉम्पोनेंट है, तो रिजल्टेंट इस तरफ कैसे आ गया? इसका आने का एक ही कारण है कि आपके आंसर में लिखा सी है, तो वो कारण मत लीजिए, वहां नहीं लिखा होगा, ठीक। ओके, मैं आपको ये देता हूं कि इस पर एक फोर्स और काम कर रहा है,
जिसके रिजल्टेंट से ए आएगा. सोचिए और कौन सा फोर्स काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स. क्यों काम करेगा? क्योंकि इसका मोशन कैसा होता है? रोटेशनल. ये रोटेशनल मोशन है. एमवी स्क्वायर आर. एमवी स्क्वायर अपॉन आर किधर काम करता है? टुवर्ड्स सेंटर. ये यहां पर कर रहा है एमवी स्क्वायर अपॉन आर. और इसमें से टी कॉस थीटा एमजी से बैलेंस हो गया, कैंसिल. कौन बचा? टी साइन थीटा, अनबैलेंस फोर्स. और कौन सा फोर्स बचा? एमवी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपेटल, अनबैलेंस फोर्स. तो दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स किधर बचा? इन दोनों के बीच में ये आ गया. और इसके कारण ये इसकी डायरेक्शन, इसका करेक्ट आंसर है. तो ये वाला आंसर यहां दिया है. ये नहीं होगा अकेले. ये वाला आंसर एमजी का नहीं होगा अकेला. ये भी अकेला नहीं होगा. वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट. तो इसमें नटशेल आपको क्या याद आना चाहिए? इसमें आपको ये याद आना चाहिए कि जब भी कोई चीज रोटेशनल मोशन करती है तो हमेशा एक फोर्स कौन सा लगेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल. कोई भी लगे, ये आपको याद रखना है. ठीक है? तो फिर ये क्वेश्चन हो गया. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. जब तक ये स्ट्रेट लाइन में मूव होती है, इट इज हैविंग ए कॉन्स्टेंट पावर. पावर कॉन्स्टेंट. ओके. तो डिस्टेंस इसका हर टाइम में अलग अलग बदलता जाएगा. डिस्टेंस एस है और टाइम टी है. इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ये हमको बताना है. और ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं. एस और टी का रिलेशन निकालने के चार ऑप्शन है. और ये है टी टू द पावर 3/4, टी टू द पावर 3/2, टी टू द पावर 1/4 एंड टी टू द पावर हाफ. इसमें ध्यान रखिए क्या चीज कांस्टेंट है? पावर. तो आपकी ये हिंट है कि पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम. ये क्या चीज है? कांस्टेंट. अब इसको लेकर आप शुरू करिए. दैट डब्ल्यू अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये तो इसको हमने ले लिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक. अब इसके बाद एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन किसके बराबर होता है? नहीं, जब भी कोई चीज चलती है तो एस के साथ उसका रिलेशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो a किसके बराबर हुआ? अगर इसमें हम कोई भी चीज जीरो कर दे, कोई एक, तो दिस इज v स्क्वायर अपॉन 2s. इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी एंड 2s, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा. टाइम से लेते हैं एस और टी का रिलेशन. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें ए की वैल्यू रख लेते हैं हाफ ए. यहां से हमने निकाला ए इज इक्वल टू ए टी अपॉन एम एस. ये ए को हमने यहां रखा ए टी अपॉन एम एस मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर. दिस इज एस. अब इसमें वन कॉन्स्टेंट, टू कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट, ये पूरा एक कॉन्स्टेंट है. एम भी कॉन्स्टेंट. ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है. तो वेरिएबल क्या क्या बचे? इस एस को इधर ले आइए. एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इन टू टी क्यू. तो s इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इसको नोट करिए. और इसके बाद
48 और 47 उनको पढ़िए ओके ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट गया है और यहाँ पर एक फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ हो सकता है इन्होंने क्वेश्चन में दिया है देयर इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है और ए से बी तक जाता है तो किस रास्ते से जाने से काम कम होगा उससे ज्यादा और किस रास्ते से सबसे ज्यादा होगा तो बड़ा सिंपल है ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों कैसे होते हैं कंजर्वेटिव फील्ड सो अवर टर्न बिटवीन टू प्लेन टू पॉइंट इज ऑलवेज ये चीज अगर हमको याद है तो विल सिंपली राइट दैट W1, W2 एंड W3 ऑल थ्री आर इक्वल टू ईच अदर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा ठीक है सो इट इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल मुझे नहीं पता IIT में क्यों दिया था इन्होंने बट इन एनी केस ये फंडामेंटल प्रिंसिपल पर है सो इट कैन बी गिवन A uniform chain of length 2 meter. Total length कितनी है? 2 meter. It is kept on a table such that length of 60 centimeter is hanging freely from edge of the table. Okay. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain back to the table? इस पूरी चेन को खींचकर हम कहाँ ले जा रहे हैं? टेबल पर वापस ले जा रहे हैं. तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा ये वर्क आपको कैलकुलेट करना है कि कितना करना होगा इसका आप मेथड क्या लगाएंगे इसको बनाइए बस वर्क के कौन कौन से फॉर्मूलास है एक है फोर्स इंटू वेलोसिटी नो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन और कोई फॉर्मूला नहीं ठीक है अगर ये फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो बताइए आपको कितना फोर्स लगाना और कितना डिस्प्लेसमेंट करना यही पर कैच है कितना फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट इसको कहां से कैलकुलेट करेंगे दो चीजें कैलकुलेट करनी है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो बताइए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इसका मास कितना है फोर्स कितना होगा एमजी लेकिन जब आप इस चेन को ऊपर टेबल पर खींचेंगे तो आपको कितने एमजी के पोर्शन को लेना है इसको ऊपर उठाना है कि लटके हुए को ऊपर उठाना है सिर्फ लटके हुए को ऊपर उठाना राइट तो लटके हुए का वेट हम निकाल सकते हैं टोटल कितना था 2 मीटर तो इसका वेट कितना होगा वेट ऑफ द हैंगिंग पोर्शन वेट ऑफ द हैंगिंग पोर्शन ये हो जाएगा 60 by 2 meter मल्टीप्लाइड बाय 4 kg सो दिस इज इक्वल टू 6/5 kg इसका मास है 6/5 kg अगर 6/5 kg इसका मास है तो इसका फोर्स किधर काम करता है नीचे ऑफ कोर्स एमजी नीचे काम करेगा और वो फोर्स कितना हो जाएगा Force is equal to 6/5 × 10. This is 12 newton. 12 newton है जो force नीचे की तरफ काम करता है यहां तक तो ठीक है Mostly बच्चे यहां तक बना लेते हैं इसके बाद एक छोटी सी चीज है displacement. तो बताइए displacement कितना करना पड़ेगा ये force इसको कहां खींच रहा है नीचे और हम इसको कहां ले जाएंगे ऊपर कितना ऊपर ले जाएंगे हाँ बस यही कैच है जैसे ही आप इसको ऊपर खींचते हैं ये बाकी कितना बचेगा 50 और 10 खींचते हैं तो कितना बचेगा 40 अब आपका फोर्स 12 न्यूटन बचा क्या जब वो 40 है तो नहीं फिर और खींचा तो आप बचा 20 तो फोर्स और कम हो गया तो अगले फोर्स की क्या अगले वर्कर की कैलकुलेशन में आप ये वाला फोर्स यूज नहीं कर सकते अगर आप पूरे 60 को मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्रू आउट हमारा फोर्स कितना था 12 पर फोर्स तो लगातार कम हो रहा है तो इसके दो तरीके हैं एक डिफिकल्ट वाला तरीका है इंटीग्रेशन करके और एक आसान तरीका है आप किससे करना चाहेंगे
आसान वाले से, ठीक है, तो इसका पूरा मास एक पॉइंट पे लगा देते, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। इस चेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर, कोई भी लंबी चीज का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होता है। ये सेंटर में है तो ये वाला डिस्टेंस कितना, 30 सेंटीमीटर। अब पूरा का पूरा एक पत्थर 12 न्यूटन वाला यहां पर लगा है, जब पूरी चेन ऊपर आ जाएगी तो ये सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 30। कितना वर्क करेगा, 4 × डिस्प्लेस। तो ये हमने इसका वर्क डन निकाला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसके लिए हमने किसको बेसिस बनाया, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे पूरा फोर्स है और सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस किया। तो अब आप देख लीजिए, ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 30/100 मीटर बना दिया इसका, 3.62। तो ये आपका एक मेथड है, इससे आप इसको बना सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि बाजू वाले की कॉपी देख लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन सुनिए। ए पार्टिकल इज प्लेस एट द ओरिजिन एट ए फोर्स F इज इक्वल टू पी एक्स इज एक्टिंग ऑन इट। ये वाला फोर्स किसके अनुसार बदलता है, डिस्प्लेसमेंट के अनुसार। जैसे जैसे एक्स बढ़ता है वैसे वैसे ये फोर्स भी बढ़ता है। x कम होगा फोर्स कम होगा, x जीरो होगा तो फोर्स कितना होगा, जीरो। x जीरो तो फोर्स भी जीरो। ओके, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, ग्राफ की शेप कैसी होगी और वो ग्राफ कौन से दो वेरिएबल के बीच में है, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट इसके बीच का ग्राफ बताना है और ये चार ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले पैराबोला होगा, कैसे बोलो, पोटेंशियल इज इक्वल टू एम जी एच। अब एम जी एच बोल रहे हो या के एक्स स्क्वायर बोल रहे हो, वेरी गुड। एम जी एच किसके लिए होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज अटेंडिंग हाइट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, द फोर्स उसमें एम जी फोर्स कैसा होता है, कॉन्स्टेंट या चेंजिंग, एम जी एच में एम जी इज ए कॉन्स्टेंट, इसमें क्या लिखा है, फोर्स कॉन्स्टेंट है क्या, एफ इज इक्वल टू के एक्स, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे ही ये यहां से यहां जाएगा फोर्स बदल जाएगा, यहां जाएगा फोर्स और बदल जाएगा। तो एम जी एच में जो एम जी है दैट इज ए कॉन्स्टेंट फोर्स, उसको आप के एक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब समझ आया, क्योंकि के एक्स वेरिएबल फोर्स है और एम जी एक कॉन्स्टेंट फोर्स है, ये दोनों दूसरे की जगह रिप्लेस नहीं होते। और सोचिए, बट इट इज ए गुड मेथड टू थिंक, और सोचो और सोचो, मैं आपको हिंट दे सकता हूं, एफ इज इक्वल टू के एक्स किसका फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, स्प्रिंग का, स्प्रिंग का। तो ये वाले फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, स्प्रिंग फोर्स, राइट। और स्प्रिंग फोर्स की एनर्जी कितनी होती है, तो डायरेक्ट उस कंक्लूजन पे आप जंप कर जाइए कि हमारा एनर्जी का लिखिए, दिस इज फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स एंड यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट। तरीका समझ आया, तो ये U इज इक्वल टू के एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर कौन सा ग्राफ होगा, तो देखिए कैसे चुनते हैं आप कौन सा ग्राफ होगा, ये फॉर्मूला है ना, तो बताओ फॉर्मूले से पैराबोला पता लगा कैसे आपको, एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1,
दिस इज टू एंड दिस इज वन, ये दोनों वेरिएबल है, इसलिए क्या होना चाहिए पैरामीटर, ठीक है। व्हेन एक्स इज जीरो एनर्जी इज जीरो, चारों पे हम देख रहे हैं व्हेन एक्स इज जीरो एनर्जी इज जीरो, वो पॉइंट को सबने कवर किया है। पैराबोला होना चाहिए क्योंकि ये टू और वन है, स्ट्रेट लाइन कब होती, जब ये वन एंड वन होती है ना, अब टू और वन है इसलिए पैराबोला, ये पता लग गया, तो इन दोनों में से एक को डिसाइड करना है। अब ये पैराबोला कि ये पैराबोला बता दो, वो एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है कि एनर्जी हम किसकी कैलकुलेट करते हैं, अप्लाइड फोर्स की या स्प्रिंग के फोर्स। नहीं, आंसर दोनों में करेक्ट आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स अगर पॉजिटिव है या एक्स नेगेटिव है, डज इट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज इट इज स्क्वेयर, तो x की वैल्यू आप 1, 2, 3 रखिए u बढ़ेगा, x की वैल्यू 1, 2, 3 रखा u बढ़ा, x की वैल्यू -1, -2, -3 रखिए तब भी u कैसा है पॉजिटिव, -1, -2, -3 किया तब भी कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग की एनर्जी का, दैट इज u इज इक्वल टू माइनस हाफ ए एक्स, इस माइनस के कारण ये वाला फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वो कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या दी है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये चीज समझ में आई। अगर आपको ये समझ में आया तो हमारा टारगेट क्या है, मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनेट है, तो मोमेंटम क्या होता है एम इंटू वी, एम इंटू वी, तो या तो आप इसे वी को गायब करें या एक एम यहां पर लेकर आए, वी जो है इसका चेंज हो रहा है, तो हमारे लिए ज्यादा आसान है कि इसको हम मोमेंटम में कन्वर्ट करने के लिए इसका फॉर्मेट बदल दें। किस तरह से फॉर्मेट बदला जाएगा, दिस विल बी एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है ना। ये क्या हो गया मोमेंटम, मोमेंटम को हमने लिखा पी, पी स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, आगे आंसर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर के एम, तो बी इज इक्वल टू हाउ मच, एल रूट एम के या के एम, और हमने देखा आंसर में ये वाला ऑप्शन है, सो दिस इज मोमेंटम डिपेंडिंग अपॉन दिस। देयर इज अ बॉडी, उसका मास दिया गया है m, वो एक्सेलरेट होती है रेस्ट से, रेस्ट मतलब उसके इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, ओके, और इसमें टाइम कितना लग जाता है t। इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द बॉडी एज फंक्शन ऑफ टाइम, हमको निकालना है पावर, और पावर एक फिक्स वैल्यू नहीं है, पावर यहां पर हमको पता लगा इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो बेसिकली हमको पावर का वो फॉर्मूला निकालना है जिसमें टाइम आता हो, तो ये क्या बताएगा पावर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो सिंपल पावर का फॉर्मूला बनाइए, ये वाली गिवन क्वांटिटीज है, मास एम होगा अगर आपको जरूरत है, ठीक है। तो अब आप इसको बनाने की कोशिश करिए, निकालना है पावर और टाइम का रिलेशन निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला लिखिए, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स क्या होता है
मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, ये हो गया। अब हमको इसमें ए नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, टी। तो ए और बी ये जो भी टी में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको हमको टी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी बी है और टाइम टी लगा है, तो क्या आप ए निकाल सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे ए निकाल लीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए हुआ v माइनस यू अपॉन टी और इसकी वैल्यूज रखी v माइनस जीरो अपॉन टी, ये ए की वैल्यू आ गई v अपॉन टी। तो पावर कितनी हो गई, m v स्क्वायर अपॉन टी, ये पावर की वैल्यू है। ओके इस केस में यू जीरो है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v इज इक्वल टू क्या हुआ, a इंटू टी। तो इसकी वैल्यू आप यहां रख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, m a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन t, और a की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली नहीं, वो तो v आ जाएगा, एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पावर का आंसर ला सकते हैं। देखिए ये वाली चीज बहुत जरूरी है कि आपको ट्रायल एंड हिट करना ही पड़ेगा, और यही हमारा टेस्ट है कि हम कितने फॉर्मूले को कितनी तरह से रोटेट कर सकते हैं और वैल्यूज रख के उसको अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ये सब फॉर्मूले हमको मालूम है, लेकिन इसके लिए कोई गाइडलाइन पक्की नहीं है। हमने कुछ फॉर्मूले लिखे, उन्हीं में से रिलेशन हमने पकड़े, v इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टी, तो a इज इक्वल टू v अपॉन टी, यहाँ यूज कर लिया। हमारा टारगेट क्या होता है कि जो आंसर में गिवन क्वांटिटीज है उनको यूज करना है, और जो आंसर में नहीं है उनको एलिमिनेट करना है। अगर वैसा करते जाएंगे तो एक या दो ट्रायल करने के बाद ये वाला रूप आ जाएगा जो हमको चाहिए। कभी हो सकता है फर्स्ट ट्रायल में आए, कभी हो सकता है फोर्थ ट्रायल में। अगर आपका एक दो ट्रायल में नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए निशान लगा के, बाद में जब बाकी पेपर हो जाए उसके बाद उसको करिए फिर से, हो सकता है तब तक आप दूसरे तरीके से शुरू करें वो बन जाए, क्योंकि होता तो सिंपल है। तो ये इस तरह से सॉल्व, एक्चुअली ये पहले बना चुके हैं इसके जैसा। इन 2 केजी ब्लॉक स्लाइड्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, इट स्ट्राइक्स ए अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग, और जब इसको कंप्रेस करता है और लास्ट में जाके ये रुक जाता है, कितने डिस्टेंस के बाद, x डिस्टेंस के बाद ये रुक जाता है। ओके द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 15 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो इसको पीछे की तरफ धकेलता है और रोकता है, जिसमें इस ब्लॉक को रोका वो फोर्स कितना है, 15 न्यूटन। देखिए यहां इसके पास स्पीड थी 4 मीटर और लास्ट में जाके स्पीड क्या हो गई, जीरो। तो जब स्पीड कम होती है तो रिटार्डेशन होता है, और रिटार्डेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिटार्डिंग फोर्स, उसको आप कोई भी नाम दीजिए। वो फोर्स इन्होंने बताया कितना है, 15 न्यूटन, तो उस फोर्स की वैल्यू दे दी है, तो आपको अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। ओके ये उसकी वैल्यू दी गई है, और हमसे पूछा गया है कि स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना हुआ, एक्स की वैल्यू निकालनी। इसमें अब आपको क्या चीज मालूम होती है, द काइनेटिक एनर्जी कंटेंड इन द ब्लॉक इज इक्वल टू वर्क डन और द फोर्स एनर्जी गिवन टू स्प्रिंग। उस फॉर्मूले से इसको ट्राई करिए और बनाइए। ओके तो अब इसका सॉल्यूशन हुआ, और देखिए ये जब यहां पर स्ट्राइक करेगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी के ये दो हिस्से हो जाएंगे, एक फ्रिक्शन को ओवरराइड करेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा इसकी एनर्जी किसके काम में आएगी, स्प्रिंग को दबाने के, उसका फॉर्मूला क्या है आपके, और ये पूरी एनर्जी किसने दी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ने, तो ये हमने फॉर्मूला रखा और इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज रख दी, वैल्यूज रखने से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने यहाँ रखा और x इज इक्वल टू कितना है 5.5, ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो अब कल हम थोड़ा सा इसको और करेंगे, दो चार क्वेश्चन अच्छे हैं और then we will close it, लेकिन कल दूसरा चैप्टर भी साथ में कर लेंगे, कोई एक छोटा सा चैप्टर और कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद परसों से फिर ए पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बॉल, देयर इज ए पेंडुलम, इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बॉल ऑफ मास m and length l. A bullet of mass m1, a bullet of mass m1 strikes it with velocity, with speed v1. m1 mass ki bullet v1 speed se isse takrati hai. Okay, the bullet emerge out of the ball with a speed v1 upon 3. ये इसको पूरा पंचर करके यहां से निकल भी जाती है, और जब निकलती है इसकी स्पीड क्या होती है, v1 upon 3, ये इसकी स्पीड है। एंड द बॉल जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल, ये ऐसे निकलती है और ये जो बॉब है ये पूरा घूम जाता है, अगर ये यहां से लगा हुआ था तो ये पूरा घूमकर यहां चला जाता, जस्ट यहां तक पहुंच जाता है, फिर भले गिर जाएगा, ये स्टोरी है। दिस इज एल, दिस हाइट इज एल, इट गोज अप टू दैट पॉइंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वन, ये हमारा क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वन इन द टर्म्स ऑफ एम, एम वन G, L, ये हमारी गिवन क्वांटिटीज है और हमको V1 की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी कैसे वर्किंग होगी इसको सोचिए। जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर लेती, इन्होंने लिखा है कि जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, अगर ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करता है तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, क्या आपको ये थ्योरम याद है, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन, उसमें यहां पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो फिगर अगर आपको याद नहीं है तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, आपको चाहिए। मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम, यहां पर जो वेलोसिटी इसकी चाहिए वो कितनी होती है, रूट फाइव जी एल, ये हमको इसकी वेलोसिटी चाहिए, किसकी, जो चीज ऐसा ऊपर घूमे गई, कौन गया है, बॉब, तो बॉब की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, ठीक। अगर ये इसकी वेलोसिटी है तो आगे हम इसके मोमेंटम के रिलेशन बना सकते हैं, मोमेंटम कैसे, यहां पर ये इससे टकराया है, टकराने के पहले और टकराने के बाद मोमेंटम इक्वल होंगे, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां जब ये स्ट्राइक कर रहा था तो मोमेंटम कितना था, एम वन बी वन प्लस, इसका मोमेंटम कितना था, जीरो, आफ्टर द स्ट्राइक मोमेंटम कितने हो गए,
m1 into right m1 v1 upon 3 plus इसका मोमेंटम m इनटू वेलोसिटी. ये रही वेलोसिटी, क्योंकि इतनी वेलोसिटी होने से ही सर्कल पूरा होता है, इसलिए हमने इसको दे दिया m रूट 5 जी एम. ये इसकी वेलोसिटी है. अब हमको क्या निकालना है, v1 की वैल्यू. क्या इससे v1 की वैल्यू निकल सकती है? इसमें से इसको माइनस किया 2 बाय 3 m1 v1 is equal to m root 5 gm. और v1 की वैल्यू कितनी आई, इधर चला जाएगा 3 by 2 m upon m1 root 5 gm. ऐसा कोई ऑप्शन है? 3 upon 2 m upon m1 root 5 gm. This is the right answer. तरीका समझ आया? इसमें हमारा नॉलेज कौन सा काम में आया कि अगर कोई चीज सर्कल में पूरा सर्कल बनाती है तो नीचे में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट फाइव जी एम. ये हमने अपनी मेमोरी के बेसिस पे लिया. उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया. आप बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों नहीं लगाया, तो याद रखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में रखता है, एंड वी आर नॉट गिवन that this collision is elastic, it is not elastic collision. इसलिए हम यहाँ पर वो नहीं लगा सकते, लेकिन conservation of momentum किसमें लगता है, सब जगह लगता है, इसलिए उसको हम यहाँ पर apply कर सकते हैं.